हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर BS6 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में न्यूज़ निकल के आ रही है काफ़ी ज़्यादा। क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, बात करते हैं, कितना प्राइस बढ़ने वाला है बाइक पे, सब कुछ बात करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो बात करते हैं डायरेक्टली बाइक के बारे में। 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा, जो कि आप लोगों को 8 BHP का पावर और 8 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। सबसे पहले चेंज की बात करते हैं, बाइक के अंदर फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम मिलेगा आपको, जो कि नॉर्मली BS6 की बाइक्स में आ रहा है। बट यहाँ एक चीज़ और ऐड होती है कि जो छोटी मोटी बाइक्स हैं उसके अंदर कंपनीज़ कार्बोरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर दे रही है, बट यहाँ आपको डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपकी माइलेज के लिए बाइक में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होगी, वो भी कम हो जाएगी। सेकंड चेंज, न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक्स मिल रहे हैं आपको बाइक के अंदर। सिर्फ यही दो चेंजेस आपको बाइक में मिलेंगे, अदरवाइज ओवरऑल आप बाइक को देखोगे तो यार कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलने वाला। चेंज क्यों नहीं मिलने वाला, उसका भी मेरे पास रीज़न है। आप लोगों को मालूम होगा कि स्प्लेंडर ने, जो हीरो थी, उसने एक बार स्प्लेंडर को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, बट उस बाइक का मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था लोगों की तरफ से। इसलिए बेटर ही किया मेरे हिसाब से तो कि इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि जितनी स्प्लेंडर क्लासिक अच्छी लगती है उतना शायद चेंज होकर नहीं लग रही थी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को पुराना वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर इसको चेंज कराना चाहिए था, या फिर अभी जैसी है वैसी ही ठीक है। गाइस बात कर लेते हैं कि माइलेज में आप लोगों को क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। FI आ जाने की वजह से थोड़ा बहुत आपको माइलेज अच्छा मिलने वाला है, मतलब 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग में ना मिले थोड़ा, मतलब बाइक जब चल जाए तब आपको मिले। अब बात करते हैं कि बाइक्स में क्या क्या कलर्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो लाइक सिल्वर ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा, डार्क रेड का कॉम्बिनेशन मिलेगा, स्काई ब्लू विथ डार्क सिल्वर मिलेगा, और भी पर्पल विथ ब्लैक, मतलब 2-3 कलर्स ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पहले से भी मिलते हैं। बाकी बाइक के प्राइस की बात कर लेते हैं कि बाइक का प्राइस कितना बढ़ेगा। तो यार आप लोगों को ज़्यादा प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा, अराउंड 3,000 से 4,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करने पड़े, और शायद उससे भी कम पड़ने पड़े। लेकिन अभी देखो कोई न्यूज़ निकल के आ नहीं रही, लेकिन मुझे जैसे ही कोई न्यूज़ मिल जाएगी प्राइस के रिलेटेड तो मैं आप लोगों से ज़रूर बता दूंगा। बट फाइनली न्यूज़ निकल के ये आ गई है कि बाइक लॉन्च कब हो रही है। लॉन्च आपको मार्च के फर्स्ट वीक में ये बाइक मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर, मतलब जो थोड़े बड़े बड़े शोरूम्स होंगे उसमें आपको पहले अवेलेबल हो जाएगी, जो छोटे मोटे होंगे उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और आप लोगों को किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए यार, कमेंट करो, आपको वीडियो मिल जाएगा।